देवरिया में भटनी थाना अंतर्गत ग्राम प्यासी निकट नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने गया एक किशोरी नदी में डूब गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोर की टीम ने खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं अभी तक छात्र का शव बरामद नहीं हुआ। यहाँ पे ये घाट है, प्यासी घाट, ये थाना सलेमपुर और थाना भटनी जनपद देवरिया की बाउंड्री पे है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का आयोजन होता है, बहुत पौराणिक रूप से होता रहा है। और ये एक बच्चा वाटर पार्क के पास एक लापुआर गाँव है, स्नान करने आए थे, जहाँ प्रशासन द्वारा घाट की व्यवस्था की गई थी, उस साइड में उन्होंने स्नान न करके दूसरी तरफ नाव में खा करके स्नान किया। वहीं बच्चा चार लोग बहुत थे, वो धीरे धीरे करके गहरे पानी में चला गया। बचाने का प्रयास किया गया लेकिन लगता है वो डूब गया। हम लोगों ने उसको गोताखोर और जाल डलवा कर पीछे निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही सफलता मिलेगी। काफी लोग इसमें लगे हुए हैं, इससे भी सामान है।